Hello, dear friends. The UPSC has conducted the prelims exam on 4th October 2020, and you must be waiting for the expected cutoff and the answer keys. So, dear friends, here is the analysis. So, the exams of UPSC were conducted on 4th of October all over India, and around 11 lakh candidates have registered for the exams. In UPSC, all the measures were taken among looking at the COVID-19 guidelines, and exams were conducted at 72 centers and 2,500 sub-centers. The prelims is an initial exam, as you must be knowing, general studies and CSAT, two papers. And it is just a qualifying exam. Marks will not be added for the mains. And the final selection is based on the mains and interview. तो डियर फ्रेंड्स, 4 अक्टूबर को यूपीएससी ने जो एग्ज़ाम कंडक्ट कराए, इनके बारे में हम डिस्कस करने जा रहे हैं। पूरे कोविड को ध्यान में रखते हुए ये एग्ज़ाम्स कंडक्ट कराए हैं, और अब हम इन एग्ज़ाम्स का अब हम एनालिसिस करने जा रहे हैं। मैं हूँ आपका दोस्त गौरव मारवाहा, यूनिक आईएएस स्टडी सर्किल से। डियर फ्रेंड्स, आई एम गौरव मारवाहा, योर फ्रेंड फ्रॉम यूनिक आईएएस स्टडी सर्किल। So the cutoff of IAS exam basically depends upon the permutation and combination of the difficulty level. This time the difficulty level is quite high, and number of vacancies little less this year, and the number of applicants, although around same roughly 11 lakh candidates applied, but less could turn up on the centers. And the cutoff also depends upon the it is inversely proportional to the number of vacancies for the exam, as already I have mentioned. So there are number of permutations and combinations. So this year, looking at the difficulty level, it appears that the general category cutoff will be around 93 marks, maximum 2-3 marks, maybe more. And for economic weaker sections, it must be around 85 plus 3. For OBC, around 90 plus 3. For ST, 82 plus 3, and for ST around 77 plus 3 मार्क्स। तो दोस्तों, इसके आसपास रहने वाला है इस बार का कट ऑफ। अगर हम सब्जेक्ट वाइज एनालिसिस की बात करें, तो टिल नाउ हिस्ट्री में अभी तक जो क्वेश्चन पूछे जाते थे 15, 16, 17, दिस ईयर लिटिल हायर क्वेश्चन इन हिस्ट्री, एंड द डिग्री ऑफ द डिफिकल्टी लेवल ऑफ द क्वेश्चन इज हाई। जहाँ तक ज्योग्राफी की बात करें, नॉर्मली ज्योग्राफी में 8, 10 से 14 क्वेश्चन पूछे जाते हैं, इस बार लगभग 11 क्वेश्चन पूछे गए। फ्रॉम पॉलिटी, दिस पॉलिटी कैन बी ए गेम चेंजर दिस टाइम, तो 13 to 16 क्वेश्चन आर नॉर्मली आस्क, एंड दिस ईयर अराउंड 18 क्वेश्चन आर आस्क फ्रॉम पॉलिटी। एंड इन इकोनॉमिक्स बात करें तो 14 to 16 क्वेश्चन आर आस्क, दिस टाइम लिटिल हायर क्वेश्चन आर आस्क इन इकोनॉमिक्स, 19 क्वेश्चन आर आस्क। साइंस एंड टेक्नोलॉजी में भी इस बार कुछ हायर क्वेश्चन हैं, हायर नंबर ऑफ क्वेश्चन हैं, और डिफिकल्टी लेवल भी अच्छा था उनका। एनवायरमेंट में क्वेश्चन कुछ कम पूछे गए, 78 क्वेश्चन, एंड करंट अफेयर में करीब रेस्ट ऑफ द क्वेश्चन पूछे गए। तो थोड़ा सा ट्रेंड चेंज है, डिफिकल्टी लेवल हाई है, इसीलिए जो कट ऑफ जनरल कैटेगरी का है, जैसे बात हुई, 93 मार्क्स के आसपास जा सकता है। अब हम आंसर की बात करें, यूपीएससी प्रीलिम्स 2020। तो डियर फ्रेंड्स, चूंकि डिफिकल्टी लेवल बहुत हाई है इस एग्ज़ाम का, बड़ा एनालिटिकल पेपर था, आपको दिक्कत तो गई होगी, लेकिन चलिए देखते हैं आपने कहाँ स्टैंड किया। क्वेश्चन नंबर 1, फर्टिगेशन इन इंडिया, इसका आंसर है सी। फर्टिगेशन आपको पता ही है कि इरिगेशन प्लस फर्टिलाइजेशन टुगेदर इज नोन एज फर्टिगेशन। देन क्वेश्चन नंबर 2, कंसिडर द फॉलोइंग, इसका करेक्ट आंसर है बी। तीसरा क्वेश्चन था ओशियन मीन टेम्परेचर, इसका करेक्ट आंसर है डी। क्वेश्चन 4 जो केमिकल फर्टिलाइजर से रिलेटेड था, इसका करेक्ट आंसर है बी, दैट इज 2 एंड 3 ओनली। जो फर्टिलाइजर्स की कीमत है, केमिकल फर्टिलाइजर्स की, दे आर नॉट डायरेक्टली मार्केट गिवन ड्रिवन, दे आर एडमिनिस्ट्रेट प्राइसेस। देन क्वेश्चन 5 है इंडिया का डेजर्ट जो नेशनल पार्क है उसके बारे में। सो दोस्तों, इसका करेक्ट आंसर है सी, 1 एंड 3 ओनली। डेजर्ट नेशनल पार्क जो है 2 डिस्ट्रिक्ट्स में स्प्रेड है, ये सही बात है, और 3 सही है। नेचुरल हैबिटाट है ग्रेट इंडियन बस्टर्ड की, एंड दिस ग्रेट इंडियन बस्टर्ड इन फ्यूचर कुड बी अवर सेकेंड नेशनल बर्ड। सियाचिन ग्लेशियर से रिलेटेड क्वेश्चन था,
डियर फ्रेंड, सियाचिन जो ग्लेशियर है कहाँ है? तो नॉर्थ ऑफ नुब्रा वैली। ये नुब्रा वैली वही वैली है जो पाक-ऑक्यूपाइड कश्मीर की काफ़ी क्लोज है, और यहाँ पे डबल हम्प्ड कैमल पाया जाता है नुब्रा वैली में। और वैसे तो लद्दाख में आपको काफ़ी माउंटेन मिलेंगे, लेकिन नुब्रा वैली में माउंटेन के साथ आपको डेजर्ट भी मिलेगा। ये ख़ास बात है, पूरा रेत मिलती है यहाँ पर नुब्रा वैली। मैं पर्सनली जा चुका हूँ, बहुत अच्छा प्लेस है। देन विद रेफरेंस द हिस्ट्री, डियर फ्रेंड, हिस्ट्री में इस बार बहुत डिफिकल्टी लेवल, बहुत अप एंड डाउन थे, काफ़ी यू नो वियर्ड थी हिस्ट्री। एनीवे, तो हिस्ट्री में कंसिडर करना था, इसका करेक्ट आंसर है ए, दैट इज़ 1 एंड 3। जो भिलसा है, ये एक्चुअली विदिशा जो है, भिलसा उसी को कहा जाता था, एंड गिरी जो नगर है गुजरात। देन अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 8, कंसीडर द फॉलोइंग। ये एनवायरनमेंट से रिलेटेड क्वेश्चन है, इसका करेक्ट आंसर है बी, दैट इज़ 2 एंड 3। देन क्वेश्चन नंबर 9 जो है जेट स्ट्रीम से रिलेटेड था। एवरीबॉडी नोज कि जो जेट स्ट्रीम है ज़रूरी नहीं है नॉर्थ हेमिस्फीयर पे हो, कहीं भी हो सकती हैं, और इसका इसीलिए करेक्ट आंसर है सी, दैट इज़ 2 ओनली, कि ओनली सम साइक्लोन डेवलप एन आई है, ठीक है ना, हर साइक्लोन की आई नहीं होती। एंड द वार्मेस्ट पार्ट ऑफ द यू नो साइक्लोन इज एन आई, जो कि करीब 20-21 डिग्री जो है वो ज़्यादा वार्मर होती है सराउंडिंग से, तो इसलिए इसका करेक्ट आंसर है सी, दैट इज़ 2 ओनली। तो इसमें 1 भी इनकरेक्ट है और 3 भी इनकरेक्ट है। देन क्वेश्चन 10 है टाइगर रिजर्व के बारे में, जो क्रिटिकल जो टाइगर हैबिटाट के बारे में क्वेश्चन पूछा गया था, करेक्ट आंसर है सी, नागार्जुन सागर, और इसका एक्सप्लेनेशन भी हमने डलवाया हुआ है। तो ये 5 डिस्ट्रिक्ट्स में फैला हुआ है, कर्नूल और गुंटूर नालागोंडा। देन क्वेश्चन 11 कि अगर हम कोई प्लांट है पर स्पीशी है शेड्यूल 6 में हो तो क्या मानेंगे? तो सीधा सीधा मतलब है कि प्लांट कैन नॉट बी कल्टिवेटेड अंडर एनी सरकमस्टांसेस, एक्सप्लेनेशन भी हमने डलवाया होगा, फॉर एग्जांपल द पिचर प्लांट। देन क्वेश्चन नंबर 12, पीरियड ऑफ गुप्त डायनेस्टी इन एंशियन इंडिया। कुछ जगहों के नाम दिए थे, चाउल, कदुरा एंड घंटसाला, तो दीज आर ऑल इंपॉर्टेंट पोर्ट्स हैंडलिंग द फॉरेन ट्रेड। डियर फ्रेंड्स, अगला जो है जीरो टिलेज के बारे में पूछा गया था। तो जीरो टिलेज इज़ ए प्रोसेस वेयर द क्रॉप सीड विल बी सोन थ्रू टिलर्स विदाउट द प्रॉपर लैंड प्रिपरेशन एंड डिस्ट्रीब्यूटिंग द सॉइल, तो इसको कहते हैं जीरो टिलेज। करेक्ट आंसर है डी, 1, 2 एंड 3। देन नेशनल पॉलिसी ऑन बायोफ्यूल पे अगला क्वेश्चन था। बायोफ्यूल आपको पता ही है, रिन्यूएबल एनर्जी रिसोर्सेज होते हैं, एंड दे आर मेड अप ऑफ ऑर्गेनिक मैटर और वेस्ट दैट कैन बी प्लेड ए वैल्यूबल पार्ट इंड्यूसिंग द कार्बन डाइऑक्साइड एमिशन, तो उस पर क्वेश्चन था। करेक्ट आंसर है 1, 2, 5 एंड 6। क्वेश्चन 15 कुछ दिखने में ईजी है, आंसरिंग में थोड़ा सा दिक्कत गई बच्चों को। तो सोशल कॉस्ट ऑफ कार्बन पूछा गया था। तो सोशल कॉस्ट ऑफ कार्बन जो होती है, इट इज़ मेजर ऑफ द इकोनॉमिक हार्म फ्रॉम दोज इम्पैक्ट्स एक्सप्रेस एज ए डॉलर वैल्यू, और द टोटल डैमेज फ्रॉम एमिटिंग 1 टन ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड इन टू द एटमोसफियर, एंड द करेंट सेंट्रल एस्टिमेट ऑफ सोशल कॉस्ट ऑफ द कार्बन इज अराउंड $50 पर टन टूडेज डॉलर। लेकिन इंडिया में कहते हैं ये कॉस्ट ज़्यादा है, 70 से 80 डॉलर है करीब। ऐसा माना जाता है कि सबसे ज़्यादा जो इसकी डॉलर कॉस्ट है रशिया और इंडिया में आती है। एनी वे, इट अपियर्स दैट आंसर ए इज़ ए करेक्ट आंसर। देन विद रेफरेंस टू पल्स प्रोडक्शन अगला क्वेश्चन है, उसका आंसर है ए, 1 ओनली। एक्सप्लेनेशन इसका दिया हुआ दोस्तों, जो ब्लैक ग्राम है इट कैन बी कल्टिवेटेड एज बोथ खरीफ एंड रबी। देन एक क्रॉप के बारे में बताया था, सब ट्रॉपिकल क्रॉप है, हार्ड फ्रॉस्ट जो है इंजीरियस कर देता है इसको, और लाइट वेल ड्रेन सॉइल है, ये सारे करेक्टरिस्टिक्स ए यानी कॉटन के लिए। देन सोलर पावर पम्प्स पे क्वेश्चन था, तो इसका आंसर है डी, नीदर 1 नॉर 2। सोलर पावर पम्प्स जो है ना, तो 1 इस पर अप्लाई होता है ना 2, हमने इसका एक्सप्लेनेशन डाला हुआ है। देन विद रेफरेंस टू करेंट ट्रेंड्स इन कल्टिवेशन ऑफ शुगर केन, ये भी बड़ा क्वेश्चन था, इसका अच्छा खासा डिफिकल्टी लेवल था, करेक्ट आंसर सी है, 1 एंड 4। देन इको फ्रेंडली एग्रीकल्चर में क्या होता है, करेक्ट आंसर डी, 1, 2, 3, 4। देन कल्चरल हिस्ट्री ऑफ इंडिया में एक अच्छा क्वेश्चन था, जो परिव्रजक जो होते हैं, दैट मीन्स द होमलेस वांडरर, तो ये परिवार से आप निकाल सकते थे, होमलेस परिवार, होमलेस वांडरर। और श्रमण जो थे भिक्षुओं को कहते हैं,
उपासक जो होते हैं वो भी पाली भाषा में, वो भी एक तरह के मॉन्क्स होते हैं। तो इसका करेक्ट आंसर D 1, 2 एंड 3 है। करेक्ट क्या है क्वेश्चन 21 में? 1, 2 एंड 3। देन 22, आपको इंडियन जो एलिफेंट्स हैं उनके बारे में स्टेटमेंट दिए थे। दोस्तों ये बड़ा ही इंटरेस्टिंग क्वेश्चन था और रियली इसने हम सबकी नॉलेज को बहुत बढ़ाया। जो जो इसकी चॉइस वन है, द एलिफेंट ऑफ एन द लीडर ऑफ एन एलिफेंट ग्रुप इज़ फीमेल, दैट्स करेक्ट। जो जो एलिफेंट्स हैं बेसिकली दे फॉलो द मेट्रियार्की एंड द ओल्डेस्ट एंड द लार्जेस्ट फीमेल एलिफेंट इज़ द लीडर ऑफ द हर्ड। देखिए जैसे मधुमक्खियाँ होती हैं ना, वैसे इनका सिस्टम है। एंड टू चॉइस भी सही है। जो इनका जेस्ट्रेशन पीरियड होता है इट कैन बी अराउंड 12 मंथ्स। बाकी यू नो 3 एंड 4 आर नॉट करेक्ट। तो आंसर ए है 1 एंड 2। देन प्रोटेक्टेड एरिया जो है उस पर अगला क्वेश्चन था, 20 क्वेश्चन नंबर 23। करेक्ट आंसर सी है 1, 3 एंड 4। एक्सप्लेनेशन इज गिवन। इंडिया की बायोडाइवर्सिटी से रिलेटेड कुछ क्वेश्चन था अगला। कुछ नाम थे, कॉपर स्मिथ, बारबेट, ग्रे चिन, मिनवेट एंड वाइट थ्रोटेड। ये इस तरह के जो थ्रोटेड, रेड स्टार्ट और इस तरह के बर्ड्स के नाम है दोस्तों। इनफैक्ट मुझको भी ये क्वेश्चन का यू नो वैसे देखा जाए तो नहीं याद था, लेकिन जैसे ही देखा वाइट थ्रोटेड और इस तरह के नाम जो कि बर्ड्स के ही होते हैं, ग्रे चिन एंड कॉपर स्मिथ बैरबेट, ऐसे तो यू नो गेस कर सकते हैं। इस बार काफ़ी गेस वर्क भी काफ़ी प्रोमिनेंट था, गेस से भी काफ़ी क्वेश्चन सॉल्व कर सकते थे। क्वेश्चन 25, इंडियन स्वैम डियर, बहुत ही इसको कहते हैं बेहतरीन क्वेश्चन था। ये स्वैम डियर बेसिकली नॉर्थ ईस्ट में पाया जाता है और स्वैम डियर यानी बेसिकली दलदल का डियर होता है, लेकिन कान्हा में लाके इसको हार्ड स्ट्राटा में इसको इसका हैबिटाट बनाया गया। तो इसका करेक्ट आंसर एक, कान्हा नेशनल पार्क। एंड रिमेंबर कान्हा नेशनल पार्क में इट इज़ एक्चुअली यू नो फ्रॉम इट्स एंसेस्ट्रल साइड यू कैन कॉल इट एज ए स्वैम डियर, बट वहाँ पे जो कान्हा का स्वैम डियर है वो स्वैम में नहीं रहता है। अब आपको क्लियर हो गया होगा, हार्डर ग्राउंड पे रहता है ये। और ये इस क्वेश्चन का आइडिया मेरे को ऐसे है कि आई माई सेल्फ विजिटेड टू कान्हा और वहाँ उसको गाइड ने बताया था। देन स्टील स्लैग के बारे में क्वेश्चन है। ये जो स्टील स्लैग है दे कैन बी यूज इन सेवरल एक्टिविटीज सच एज कंस्ट्रक्शन वर्क जो है, और पेविंग के काम में इसको यूज़ किया जा सकता है। एग्रीकल्चर सेक्टर में जो जो करेक्ट द सॉइल एसिडिटी, बहुत सारे इसके काम होते हैं। इसका आंसर डी है 1, 2 एंड 3। देन विच ऑफ द फॉलोइंग द मोस्ट लाइकली प्लेसेस टू फाइंड द मस्क डियर, जो कस्तूरी जो डियर है उस पर रिलेटेड क्वेश्चन है। करेक्ट आंसर है 1 एंड 2, दैट इज आस्कॉट वाइल्ड लाइफ एंड द गंगोत्री नेशनल पार्क। बहुत ठंडे इलाकों में होता है इंडिया में, नॉर्थ साइड में मस्क डियर। देन क्वेश्चन 28, जो रूरल रोड कंस्ट्रक्शन और एनवायरमेंट सस्टेनेबिलिटी से रिलेटेड क्वेश्चन था। करेक्ट आंसर ए है 1, 2 एंड 3। देन क्वेश्चन 29 कंसीडर करना था। करेक्ट आंसर 1, 2 एंड 3 है। एक्सप्लेनेशन इज गिवन देयर। क्वेश्चन 30 है, बायोचार फार्मिंग क्या है? बायोचार जो है हाई बायो प्लस चार, दैट इज चारकोल, इज ए हाई कार्बन फाइन ग्रेन रेजिड्यू दैट इज करेंटली प्रोड्यूस थ्रू मॉडर्न पायरोलिसिस प्रोसेस एंड दे मे इंक्रीज द यू नो सॉइल फर्टिलिटी ऑफ द एसिडिक सॉइल। तो करेक्ट आंसर इसका डी है 1, 2 एंड 3। पब्लिक इन्वेस्टमेंट इन एग्रीकल्चर पे क्वेश्चन है। करेक्ट आंसर डी है 1, 2, 3, 4, 5, 6। देन इंटरेस्ट कवरेज रेशियो, इंटरेस्ट कवरेज रेशियो करेक्ट आंसर सी है 1 एंड 3। फैक्टर्स इफेक्टिंग द प्राइस ऑफ राइस इन इंडिया, उस पर रिलेटेड क्वेश्चन था। करेक्ट आंसर डी है 34। करेक्ट आंसर बी है 2 ओनली। जो बांग्लादेश इज़ द लार्जेस्ट ट्रेडिंग पार्टनर इन साउथ एशिया फॉर इंडिया, जो भारत का सबसे बड़ा व्यापारिक भारी भागीदार है आसपास के देशों में साउथ एशिया में, तो बांग्लादेश है। और दोस्तों एक बड़ी इंटरेस्टिंग बात बताऊं कि द जैसे चॉइस वन है, द वैल्यू ऑफ इंडो श्रीलंका ट्रेड हैज़ कंसिस्टेंटली इंक्रीज इन लास्ट डिकेड। ये नॉर्मली इस तरह के चॉइस दें तो आप समझना कि कोई भी चीज़ ऐसे कैसे कंसिस्टेंटली इंक्रीज करेगी। थ्योरेटिकल चीज़ ही कंसिस्टेंटली इंक्रीज कर सकती है, प्रैक्टिकली ये ट्रेड वगैरह ऐसे कोई कंसिस्टेंटली इंक्रीज नहीं होते हैं। तो यू कैन यू नो गेस वर्क में भी कवर कर सकते हो।
क्वेश्चन 35 G20 नेशंस पे था, रेगुलेटरी क्वेश्चन है, करेक्ट आंसर ये है। 36 किसान क्रेडिट कार्ड स्कीम KCC स्कीम पे क्वेश्चन है, करेक्ट आंसर बी है इसका। देन क्वेश्चन 37 कंसीडर करना है, करेक्ट आंसर ए है। और रिवॉर्ड और पेयर्स को जमाना था, करेक्ट आंसर सी है, 3 एंड 4। अगला क्वेश्चन नंबर 39 MSP से रिलेटेड क्वेश्चन था, करेक्ट आंसर डी है, नीदर वन नॉट टू। क्वेश्चन 40 कॉमर्शियल पेपर सर्टिफिकेट और डिपॉजिट और जीरो कूपन बॉन्ड से रिलेटेड क्वेश्चन है, करेक्ट आंसर सी है, 1 एंड 3। 1 एंड 3 जो 1 एंड 3 जो कमर्शियल पेपर होता है, आपको पता ही है मनी मार्केट सिक्योरिटी इशूड बाई लार्ज कॉरपोरेशन होते हैं, ये कमर्शियल पेपर जिसको कहते हैं, टू ऑब्टेन फंड्स। इसके माध्यम से जो कॉरपोरेशन है लोन लेते हैं, और जो सर्टिफिकेट और डिपॉजिट है एक तरीके का समझ लो FD टाइप का ही है। इट्स ए फाइनेंशियल प्रोडक्ट कॉमनली सोल्ड बाय द बैंक्स, थ्रिफ्ट इंस्टीट्यूशन एंड क्रेडिट यूनियंस। अगला क्वेश्चन है फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट इन इंडिया पे, करेक्ट आंसर बी है, क्योंकि फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट तो एक तरीके के में इंडिया में इन्वेस्टमेंट हो गया, उससे डेट नहीं आ रही, वो तो ट्रेडिंग के लिए इंडिया में इन्वेस्ट कर रहे हैं, यानी एक तरीके की इक्विटी है वो। देन इंटरनेशनल ट्रेड ऑफ इंडिया की अगर बात करें उस पर क्वेश्चन था, करेक्ट आंसर सीम्स टू बी डी, 1, 3 एंड 4। देन जो वेस्ट टेक्सास इंटरमीडिएट है, क्रूड ऑयल है ये। नॉन फाइनेंशियल डेट, तो नॉन फाइनेंशियल डेट जो होती है, इट कैन बी यू नो इट इंक्लूड्स द इंडस्ट्रियल और द कमर्शियल लोन, इट कैन बी इवन द ट्रेजरी बिल, एंड इवन इट कैन बी द ट्रेजरी, इट कैन बी द क्रेडिट कार्ड बैलेंस। एंड इनका जो द दे शेयर मोस्ट ऑफ द सेम करेक्टरिस्टिक एज ए फाइनेंशियल डेट, एक्सेप्ट द इशूअर आर द नॉन फाइनेंशियल, यानी जो नॉन फाइनेंशियल डेट है इसलिए कहते हैं कि इसका जो इशूअर होता है वो जो है नॉन फाइनेंशियल होता है। तो करेक्ट आंसर सी है, 3 ओनली। IAEA, सम न्यूक्लियर प्लांट्स आर केप्ट अंडर IAEA, सम आर नॉट करेक्ट। सो इसका करेक्ट आंसर है कि द प्लांट्स विच आर बेस्ड ऑन द इम्पोर्टेड यूरेनियम, दे आर केप्ट अंडर द विजिलेंस ऑफ द इंटरनेशनल एटॉमिक एनर्जी एसोसिएशन। देन अगला क्वेश्चन ट्रिम्स है, दैट इज ट्रेड रिलेटेड इन्वेस्टमेंट मेजर्स पे है, द आंसर सीम्स टू बी C, 1 एंड 3। क्वेश्चन 47 RBI जो है एक्सपेंशनिस्ट मॉनिटरी पॉलिसी, इसका करेक्ट आंसर B, 2 ओनली। देन इंडियन इकोनॉमी आफ्टर 1991 पूछा गया था, सो करेक्ट आंसर इसका 3 एंड 4 है। देन क्वेश्चन 49 में कंपेरिजन किया गया था जो डिस्ट्रिक्ट कोऑपरेटिव बैंक है, इन कंपेरिजन कमर्शियल एंड द रीजनल रूरल बैंक, करेक्ट आंसर सीम्स टू बी B, 2 ओनली। क्वेश्चन 50 जो है साइबर इंश्योरेंस रिलेटेड था, उसका बहुत अभी क्लियर आंसर अभी नहीं मिला है। क्वेश्चन 51 विद रेफरेंस टू द कार्बन नैनो ट्यूब, साइंस से रिलेटेड क्वेश्चन था, जो कार्बन नैनो ट्यूब्स होती हैं उनके बारे में कंसिडर करना था, द करेक्ट आंसर सीम्स टू बी D, 1, 2, 3, 4। जो कार्बन नैनो ट्यूब्स हैं CNTs हैं, दीज आर द ट्यूब्स मेड अप ऑफ कार्बन विद डायमीटर्स टिपिकली मेजर इन नैनोमीटर्स, 10 टू द पावर, आपको पता ही है -9 जो नैनो साइज होता है, तो उस पर ये क्वेश्चन था। तो इसका आंसर डी लगता है, दैट इज 1, 2, 3, 4। अगला क्वेश्चन 52 कंसीडर द फॉलोइंग, सो द करेक्ट आंसर इज D, 1, 2, 3। देन एक्सपेरिमेंट एक किया था जिसमें इक्विलेटरल ट्रायंगल था, बहुत सारे कंडीशन दी थी, तो इट सीम्स टू बी लीसा पाथफाइंडर, थोड़ा सा हार्डर था ये क्वेश्चन। देन क्वेश्चन 54 कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट, करेक्ट आंसर इज डी, दैट इज 1, 2, 3। दोस्तों वी आर करेंटली डिस्कसिंग द UPSC प्रीलिम्स पेपर, दिस पेपर हैज़ बीन कंडक्टेड ऑन 4th of October, और इसमें हम अभी देखा कि जनरल कैटेगरी जो कट ऑफ है अराउंड 93 मार्क्स
आने की संभावना है, दो तीन नंबर जब बढ़ सकते हैं इसमें। तो रिलेटिवली इट्स ए टफर पेपर, इट्स ए मोर टॉसी पेपर। तो आगे चलते हैं, अभी 54 क्वेश्चंस तक तो हमने एनालाइज कर ली हैं। देन व्हाट इज़ द इम्पोर्टेंस ऑफ द न्यूमोनोकोकल कॉन्जुगेट वैक्सीन इन इंडिया? द करेक्ट आंसर इज बी, दैट इज़ 1 एंड 2। दोस्तों बड़ा आश्चर्य की बात है कि देर आर यू नो देर इज नो क्वेश्चन ऑन COVID-19 दिस ईयर UPSC 2020। देन इंडिया द टर्म पब्लिक की इंफ्रास्ट्रक्चर के बारे में पूछा गया था, दैट इज़ डिजिटल सिक्योरिटी इंफ्रास्ट्रक्चर। ऐसा लगता है गूगली कर दिया उन्होंने कि लोग पब्लिक सुन के हेल्थ केयर की तरफ चले गए। देन विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट रिगार्डिंग द जनरल डिफरेंस बिटवीन प्लांट एंड एनिमल सेल? करेक्ट आंसर इज C 1 एंड 3। देन रीजन्स फॉर एक्सपोजर टू द बेंजीन पॉल्यूशन? करेक्ट आंसर इज D 1 2 3 4 5। देन ग्लोबल फाइनेंशियल क्राइसिस? करेक्ट आंसर इज ए, दैट इज 1। देन 1 लाख रुपये अगर आप विड्रॉ कराते हो तो ये बेसिकली क्वेश्चन पूछा गया था एग्रीगेट मनी सप्लाई से, M3 से रिलेटेड है। सो करेक्ट आंसर इज डी, अनचेंज्ड। क्वेश्चन 61, कल्चरल हिस्ट्री, द टर्म परमिता, आप परम से डिस्कस कर सकते थे, परम मतलब एक्सट्रीम जो होती है, परफेक्शन जो चीज़ होती है। तो करेक्ट आंसर इज सी, पाली भाषा का शब्द, एक्सप्लेनेशन मैंने डलवा दिया। तो मेरे लिए ये कहना पड़ा ये है कि आप गैस कर सकते थे। आई नो आपको जो पेपर में इतना कम समय में आपको इतना सारा करना था, तो आई हैव फुल फेथ एंड फुल सरती ऑन योर टैलेंट एंड एवरीथिंग। मेरा तो एक आपसे एक सजेशन था कि ऐसे टर्म्स को कई बार आप जो हिंदी के टर्म्स हैं हिंदी के कंटेक्स्ट में आप सोचेंगे, सो देर आर चांसेस कि आप उसको करेक्ट कर लेंगे, एंड आई होप आपका करेक्ट होगा ये। देन इन कंटेक्स्ट ऑफ इंडियन हिस्ट्री, ये रखमा बाई केस 1884। दोस्तों मुझको हिस्ट्री पढ़ते हुए 35 साल हो गए हैं और मैं आपसे फ्रेंकली एडमिट कर रहा हूँ कि मैंने ये केस का नाम ही नहीं सुना था। तो मतलब मैं ये कहना चाहूँगा कि काफ़ी ठीक ठाक क्वेश्चन थे ये। तो एनीवे ये बड़ा फेमस केस है, अब ये क्वेश्चन UPSC में आया तो पता चला कि ये फेमस केस है। एंड द करेक्ट आंसर इज बी, दैट इज 2 एंड 3। देन इंडिको जो कल्टीवेटर थे उनके बारे में जो क्वेश्चन पूछा गया था कि इंडिया में क्यों प्रोडक्शन डिक्लाइन हुआ, तो करेक्ट आंसर है अब जो वर्ल्ड मार्केट थे उनमें नए इन्वेंशन हो गए थे। क्वेश्चन 64, जो वेलेजली ने फोर्ट विलियम कॉलेज बनाया था कलकत्ता में, बिकॉज ही वॉन्टेड टू गिव ट्रेनिंग, करेक्ट आंसर है डी, इंडिया के अंदर वो ट्रेनिंग देना चाहते थे। देन उलुगन एक फेमस रिवोल्ट था, बिरसा मुंडा द्वारा किया गया, आपको सबको शायद पता ही होगा, दैट इज करेक्ट आंसर इज डी। देन क्वेश्चन 66 एंशंट इंडिया के बारे में था, करेक्ट आंसर इज सी, दैट इज 3 ओनली, दैट इज कालिदास आज रिलेट विद चंद्रा, कौन से चंद्रा? गुप्त वाले चंद्र। देन इन नो इन द और उसमें भी गुप्त में भी दो चंद्र हुए हैं, इनिशियल दो जो फाउंडर है और एक बात का चंद्र है, तो ही इज रिलेट विद चंद्रा 2। देन क्वेश्चन 67, कंटेक्स्ट ऑफ द रिसेंट एडवांस इन द ह्यूमन रिप्रोडक्टिव टेक्नोलॉजी, तो करेक्ट आंसर इज ए, फर्टिलाइजेशन ऑफ एग। देन आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के बारे में क्वेश्चन था, द करेक्ट आंसर सीम्स बी 1 2 3 4 एंड 5। देन क्वेश्चन 69 जो है विजिबल लाइट कम्युनिकेशन के बारे में था, अभी एकदम से सही आंसर बताना मुश्किल जाएगा। क्वेश्चन 70, ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी जो फेमस टेक्नोलॉजी, उस पर क्वेश्चन था, द करेक्ट आंसर सीम्स टू बी 1 एंड 3। क्वेश्चन 71, हिस्ट्री से रिलेटेड क्वेश्चन था, करेक्ट आंसर सीम्स टू बी बी, दैट इज 2 एंड 3। और रंग जो है एक पर्शियन टर्म है जो कि वेयर हाउस के लिए यूज किया जाता है, और जो मीरजदार थे यू नो दीज आर द पाइकीज और द टेनेंट होल्डर्स, किसान थे जो रेवेन्यू देते थे, और जो बेनिन थे एक तरीके के एजेंट थे, ट्रेड एजेंट थे। देन रिलीजियस हिस्ट्री ऑफ इंडिया आपको पूछना था, मैं बड़ा हैरान हूँ दोस्तों कि हिंदुज़म पे क्वेश्चन नहीं पूछेगा UPSC ने, और आप देख रहे हैं बुद्धिज़्म जैनिज़्म और बाकी चीज़ों पे काफ़ी डिटेल में क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। आई एम नॉट जेलस बट स्टिल मैं ऐसा मुझको लगता है कि कहीं ना कहीं बैलेंस तो होना चाहिए कि दिस इज़ एन पेपर ऑफ यू नो इंडियन यू नो इन द स्टेट ऑफ इंडिया, और जहाँ का जो लार्जेस्ट रिलीजन है हिंदुज़म उस पर क्वेश्चन नहीं है, लेकिन आप देख रहे हैं बुद्धिज़्म जो कि इतनी कम परसेंटेज आबादी है उस पर एक लिमिट से ज़्यादा क्वेश्चन है, तो कुछ एक प्रोपोर्शनेट तो होना चाहिए, ऐसा मेरा मानना है।
आपका जो भी मानना होगा आप मेरे को बताइएगा इस बारे में। और फिर इस तरह के क्वेश्चन देना, इससे क्या पता, यू नो व्हाट गवर्नमेंट वांट्स, जो पेपर सेटर है वो क्या चाहते हैं, क्या इससे एडमिनिस्ट्रेटिव कैपेबिलिटी पता चलती है इस तरह के क्वेश्चन को पूछने से। एनी वे करेक्ट आंसर इज बी, क्वेश्चन 72, 2 एंड 3। क्वेश्चन 73 इम्पैक्ट ऑफ इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन है, करेक्ट आंसर है इंडियन हैंडीक्राफ्ट वाज डूम्ड। देखिए ये एक फंडामेंटल क्वेश्चन है, तो ऐसे फंडामेंटल एंड लॉजिकल क्वेश्चन अगर पेपर सेटर पूछे तो मुझको बहुत खुशी होगी, जिससे एक अच्छे एक एक यू नो दे कैन यू नो टेक एज एन इनलेट ए यूथ विच हैज़ ए गुड ब्रेन, एनालिटिकल ब्रेन। तो क्वेश्चन एनालिटिकल होना चाहिए रादर देन बहुत ही ज़्यादा फैक्चुअल नहीं होना चाहिए। एनीवे क्वेश्चन 74, कुछ चार डायनेस्टीज के राजाओं को था, उनको क्रोनोलॉजिकली जमाना था, करेक्ट आंसर इज 3, 4, 1, 2। मैंने इनकी सबकी क्रोनोलॉजी यहाँ पे एक्सप्लेनेशन में लगवा दी है। देन जो हुंडी क्या थे, बिल ऑफ एक्सचेंज थे। देशर कथा रिटन बाई सखाराम गणेश देशकर, करेक्ट आंसर इज ए, दैट इज 1 एंड 2, एक्सप्लेनेशन इज गिवन। देन गांधी इम्पैक्ट जो थे उनके बारे में पूछा गया था, अच्छा क्वेश्चन है ये, 1, 2 एंड 4। देन विट्ठल विधनाशक ये मंथली जर्नल था, करेक्ट आंसर गोपाल बाबा वांगलेकर। देन हिस्ट्री ऑफ इंडिया कुलवापा और द्रोणवापा ये क्या डिनोट करते हैं, तो कुल मतलब समझ ही रहे हो कि एक कुल के पास जितना लैंड है, एंड द्रोण भी एक इकाई थी, तो करेक्ट आंसर है मेजरमेंट ऑफ लैंड। देन ये एक इंस्क्रिप्शन में फेमस इंस्क्रिप्शन है, जिसमें अशोक जो है बताता है कि आप संघ भेद को बढ़ावा ना दें, दो दोनों द किंग अशोका ही कॉशस दोज भिक्षुज हु एनाउंस द शिज्म, तो करेक्ट आंसर ए है। देन पार्लियामेंट्री सिस्टम ऑफ डेमोक्रेसी पे पूछा गया था, करेक्ट आंसर बी है। देन विच पार्ट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन इंडिया डिक्लेयर्स द आइडियल ऑफ वेलफेयर स्टेट, ये काफ़ी ईजियर क्वेश्चन था, ये सभी का सही हुआ होगा, डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ द स्टेट पॉलिसी, दैट इज ए। क्वेश्चन 83 करेक्ट आंसर इज बी, दैट इज 2। देन क्वेश्चन 84 कॉमन एग्रीमेंट बिटवीन गांधीज्म एंड मार्क्सिज्म क्या था, करेक्ट आंसर इज ए, द फाइनल गोल ऑफ ए स्टेटलेस सोसाइटी, पूरा एक्सप्लेनेशन मैंने लगवाया हुआ है इसमें। देन अगला क्वेश्चन है ब्यूरोक्रेसी पे, ये थोड़ा सा ऐसा क्वेश्चन है इंटरप्रिटेटिव क्वेश्चन है, करेक्टरिस्टिक्स जो हैं क्या हो सकते हैं इसके, तो मुझको ऐसा लगता है कि इसका आंसर सी भी हो सकता है, इसका आंसर डी भी हो सकता है। अगर हम कन्वेंशनली देखें तो इसका करेक्ट आंसर डी होना चाहिए, एन एजेंसी फॉर इम्प्लीमेंटेशन ऑफ द पब्लिक पॉलिसी, सो कन्वेंशनली डी आंसर है। बट अगर करेंट आस्पेक्ट में देखें, सो ब्यूरोक्रेसी इज ऑल्सो एन एजेंसी फॉर फैसिलिटेटिंग द स्टेबिलिटी एंड द इकोनॉमिक ग्रोथ, तो सी भी सही है मुझको लगता है, दे द यू नो द यूपीएससी शुड डू द जस्टिस, और सी यू डी दोनों को मानना चाहिए। देन क्वेश्चन 86 प्रियम्बल ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में, दोस्तों बहुत अच्छा क्वेश्चन पूछा गया था मुझको, 35 साल पॉलिटी पढ़ते हुए हो गए फिर भी मुझको ये इसको काफ़ी देखना पड़ा, फिर कहीं जाके कुछ आंसर आया, एंड इसका करेक्ट आंसर है डी, ए पार्ट ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन बट हैज़ नो लीगल इफेक्ट इंडिपेंडेंटली ऑफ अदर पार्ट्स, तो सीम्स टू बी इसका आंसर डी है। जो प्रियम्बल है, ऑल दो यू नो इट इज़ नीदर ए सोर्स ऑफ पावर टू ए लेजिस्लेचर नॉर ए प्रोहिबिशन अपॉन द पावर्स ऑफ द लेजिस्लेचर, तो ये प्रियम्बल की खासियत है। और इट इज़ नॉट जस्टिकेबल, दैट इज प्रोविजन्स आर नॉट एनफोर्सेबल इन कोर्ट ऑफ लॉ। देन गोल्डन ट्रेंच, ये तो आपने इंटरनेशनल में पढ़ा ही होगा, IMF की फैसिलिटी है, तो करेक्ट आंसर डी है। 88 पार्ट 4 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन से रिलेटेड है, करेक्ट आंसर डी, 2 एंड 3 है। कंसिडर द फॉलोइंग कॉन्स्टिट्यूशन के बारे में क्वेश्चन है, दो चॉइसेस दी हैं, करेक्ट आंसर ए है, जो कि 2 सही नहीं है, तो करेक्ट आंसर ए, दैट इज 1 ओनली। क्वेश्चन 90 कंसिडर द फॉलोइंग, करेक्ट आंसर सी ए, 1 एंड 3। देन आधार के बारे में काफ़ी एक अच्छा क्वेश्चन था, करेक्ट आंसर बी है, 2 एंड 4। देन राज्यसभा के बारे में क्वेश्चन 92 है, करेक्ट आंसर बी, अमेंडिंग द कॉन्स्टिट्यूशन, इक्वल पावर क्या है, राज्यसभा इज इक्वल पावर विद लोकसभा, करेक्ट आंसर इज बी, अमेंडिंग द कॉन्स्टिट्यूशन। क्वेश्चन 93 थोड़ा बड़ा यू नो ट्रिकी क्वेश्चन है, मेंबर्स ऑफ पार्लियामेंट लोकल एरिया डेवलपमेंट, करेक्ट आंसर ए, 1 एंड 2। देन क्वेश्चन 94 करेक्ट आंसर डी, राइट ऑफ इक्वलिटी। क्वेश्चन 95 करेक्ट आंसर इज डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी।
96 मैक्रो इकोनॉमिक फ्रेमवर्क, इसका करेक्ट आंसर है FRBM, दैट इज फिस्कल रिस्पॉन्सिबिलिटी एंड बजटरी मैनेजमेंट। आपको पता ही FRBM में ग्रेजुअली द यू नो रेवेन्यू डेफिसिट इज ब्रॉट टू जीरो एंड फिस्कल डेफिसिट इज ऑल्सो रिड्यूस्ड एवरी ईयर। द कॉन्स्टिट्यूशनल गवर्नमेंट बाई डेफिनेशन इज दैट इज डी, दैट इज लिमिटेड गवर्नमेंट। क्वेश्चन 98, यूनिवर्सल डिक्लेरेशन ऑफ ह्यूमन राइट, तो आपको पता ही है इसमें थ्री नहीं हो सकता क्योंकि कभी ड्यूटी में ह्यूमन राइट नहीं हो सकता, तो दैट इज वन एंड टू ओनली, दैट इज ए। एंड क्वेश्चन 99, लीगल सर्विसेज अथॉरिटी के बारे में क्वेश्चन पूछा गया था, मुझको लगता है क्वेश्चन डाउटफुल है। मैं रिपीट कर रहा हूँ, क्वेश्चन 99, जो लीगल सर्विस अथॉरिटी प्रोवाइड फ्री लीगल सर्विसेज टू विच टाइप ऑफ फंक्शन, विच टाइप ऑफ सिटीजन, जो वन में लिखा है पर्सन विद एनुअल इनकम ऑफ लेस देन 1 लाख, तो ये मैं चार्ट है पूरा आपसे दे रहा हूँ। एक्चुअली द इनकम सीलिंग लिमिट अंडर दिस एक्ट अवेलिंग फ्री लीगल सर्विसेज इन डिफरेंट स्टेट इज डिफरेंट डिफरेंट। जैसे आंध्र प्रदेश में 3 लाख है, अरुणाचल प्रदेश में 1 लाख है, असम में 3 लाख है, तो ये बड़े स्टेट्स में डिफरेंट डिफरेंट है। तो यस, इस तरह से अगर हम टेक्निकली देखें तो इसका कोई भी आंसर इसमें सही मैच नहीं करता, बट अगर हम बहुत बारीक ना चलें तो हो सकता है इसका आंसर यूपीएससी लैंड करे 1 एंड 2 पे। फिर भी मेरे को लगता है कि यूपीएससी को रिकंसिडर करना चाहिए इस आंसर में। तो 99 में को जो क्वेश्चन है वो अपने आप में डाउटफुल है, मुझको ऐसा लगता है, राइट। देन क्वेश्चन नंबर 100 है, इसका करेक्ट आंसर सी है 1 एंड 3, एक्सप्लेनेशन पूरा दिया हुआ है। सो दोस्तों, ये था यूपीएससी यू नो प्रीलिम्स 4th अक्टूबर का पेपर एनालिसिस, एंड दीज आर द एक्सपेक्टेड आंसर शीट ऑफ द यूपीएससी एंड एक्सपेक्टेड कट ऑफ एंड द रियल रियलिटी ऑफ द यू नो करेक्टनेस ऑफ द आंसर विल बी देयर व्हेन वी विल नो अबाउट द फाइनल यूपीएससी मार्कशीट विल बी मेड पब्लिक। तो जब अंतिम रूप से यूपीएससी अपनी आंसर शीट पब्लिश करेगा तो हमको पता चलेगा कि यूपीएससी ने अपने आप में किन क्वेश्चंस को सही माना है, और देखते हैं कि किस कब यूपीएससी इसको डिक्लेयर करता है। एंड दोस्तों, आईएएस मेंस आपको पता ही है 8 जनवरी 2021 में है, तो आप अगर जनरल कैटेगरी के हैं और 93 के आसपास आपका स्कोर है तो बिल्कुल आप तैयारी में लग जाएं। एंड फॉर रेस्ट ऑफ द कैटेगरी आपको यू नो व्हाट इज़ योर एक्सपेक्टेड कट ऑफ। इफ़ यू आर क्लोज टू कट ऑफ प्लीज़ गो अहेड विद योर स्मूथ स्टडीज़, एक दो दिन का रेस्ट करिए और अपने काम में आप लग जाइए। सो From my side, all the best to all of you. मैं हूँ आपका दोस्त गौरव मारवा, अब आपसे मैं विदा चाहता हूँ। All the best for your career. Thank you very much.